नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। सिमडेगा, झरिया और अब झारखंड के देवघर में एक अमीर राज्य की गरीब जनता भूख से मर रही है। हालांकि सीएम साहब कह चुके हैं कि सिमडेगा और झरिया में मौत भूख से नहीं बल्कि बीमारी से हुई। देवघर में हुई मौत पर भी बीमारी की चादर लपेटी जाएगी। झारखंड की तकदीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री विदेश का दौरा कर रहे हैं, क्या उन्हें वहां भूख का इलाज मिला? कहना मुश्किल है, लेकिन मोमेंटम झारखंड के बदौलत गति पकड़ते सूबे की ये कैसी तस्वीर है जिसमें सिमडेगा की एक माँ कोयदी देवी के ये शब्द कि मेरी बच्ची भात भात कहते मर गई, क्या सफ़ेद पोशों की संवेदना को नहीं झकझोरते? झरिया का वैद्यनाथ जो रिक्शा चलाकर परिवार पाल रहा था, बीमारी के कारण रिक्शा नहीं चला सका। 2 रुपए की कमाई नहीं हुई तो 2 निवाले का इंतजाम भी नहीं हुआ। किस मोमेंटम की बात करते हैं रघुवर दास? क्या विदेशों से आने वाला निवेश सीधे भूखे आवाम के पेट की आग बुझाएगा? चमचमाती सड़कें और हजारों करोड़ के उद्योग धंधे जो कथित रोजगार लाएंगे, क्या वो ऐसे लोगों की हालत बदल पाएंगे? देवघर के रूपलाल के अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक मशीन नहीं पढ़ पाई, लिहाजा गरीब परिवार को 2 महीने से राशन नहीं मिला और रूपलाल ने मशीनी दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या मशीनों की तरह हम भी संवेदन शून्य हो गए हैं? बात सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी है, तमाम एनजीओ और सामाजिक संगठनों की भी है। दीपावली और छठ जैसे महापर्वों के बीच भूख से किसी की मौत हो जाना समूची मानवता पर सवालिया निशान लगाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 119 विकासशील देशों में 100वें नंबर पर हैं, यानी इस बात की पूरी संभावना है कि भूख से हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और कई लोग इसमें हार रहे हैं। ऐसे में कटघरे में हर कोई है। सवाल सियासी लोगों को इस सवाल का जवाब देना ही होगा। एक बार गिरेबान में झांक कर हम सबको इस सवाल का जवाब तलाशना होगा। प्राइम टाइम में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। झारखंड में भूख से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। ताज़ा मामला देवघर के मोहनपुर प्रखंड का है, जहां 62 साल के रूपलाल मरांडी की मौत भूख से हो गई। मृतक की बेटी मानोदी मरांडी के अनुसार उसके पिता के अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक मशीन रीड नहीं कर पा रहा था, जिससे उन्हें पिछले 2 महीने से राशन नहीं मिला। यही वजह है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हालांकि इस पूरे मामले पर अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि जिस तरह से बीते कुछ दिनों में हुए मौत को बीमारी की चादर से ढकने की कोशिश हुई है, देवघर का ये मामला भी बीमारी की चादर ढककर शांत करने की कोशिश होगी। रूपलाल मरांडी बाबूजी का है परिगल की कैसे हैं? मने भूखले प्यास लो सुने मेरे की का है खाना का नहीं मिले चलो खर्चा नहीं चलो जाक्सो पहले कहीं काम धंधा नहीं कर कर लिया। देखिए, यह सरासर जो है रूपलाल मरांडी जी का जो है मौत जो है वो भूख से मौत है। 2 महीने से डीलर जो यहाँ पर ग्रामीणों ने जैसा बताया कि 2 महीने से डीलर ने इनको जो है अनाज नहीं दिया और जो है बरसात होने के कारण जो है यह इतनी जो प्रूफ भी है बरसात होने के कारण यह कहीं कमाने के लिए नहीं जा सका और जो है छोटी छोटी बच्ची है, इसका कोई बेटा भी नहीं है जो कि कमा कर 3 महीना पहले बेटा का भी देहांत हो चुका है और गरीबी से भूख से जो है तड़प करके जो है इस व्यक्ति की मौत हुई है। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के अंतर्गत भगवानपुर में भूख से हुई रूपलाल मरांडी की मौत मामले में सियासत गर्माने लगी है। झारखंड के पूर्व स्पीकर, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता शशांक शेखर भोक्ता और पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी सुबह पीड़ित परिवार से मिलने भगवानपुर गांव पहुंचे। घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए झामुमो नेता ने इसकी जाँच कर दोषियों को तत्काल सजा दिए जाने की मांग की। उधर सूबे के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री राजपालिवार भी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले, पूरी जानकारी ली। हालांकि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
भूख से हुई है, अनाज के अभाव में हुई है और डीलर पे कार्रवाई हो और वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं प्रशासनिक लापरवाही है और उसके मांग करते हैं कि रूपलाल मरांडी जी को 5 लाख रुपया मुआवजा मिले और उनको इंसाफ मिले ताकि इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो और प्रशासन इसको गंभीरता से ले, चूँकि पूरी तरह ये प्रशासनिक लापरवाही के कारण इस तरह की घटना हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, इसका एग्जाम्पल है, ये अच्छे दिन की नहीं, ये बुरे दिन की शुरुआत हो गई और ये सरकार पता नहीं कब तक गरीबों के लाश पे राजनीति करेंगे। झारखंड की सरकार खड़ी है और यहाँ पे किसी प्रकार का किसी को राजनीति करने का हक, लाश पर किसी प्रकार का कोई राजनीति न करे, क्योंकि मृतक परिवार के साथ सबको सहानुभूति के साथ खड़ा रहना चाहिए, न कि लाश पर राजनीति करनी चाहिए। ये सब जगह जांच चला जाए, सिमडेगा का मामला, गुमला का मामला हो या धनबाद का मामला हो या अभी जो देवघर में घटना घटी है इसका मामला हो, ये सारे विषय जांच में चल रहे हैं और जांच के उपरांत ही जो भी निर्णय आएगा उसके खिलाफ उस अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं, पोस्टमार्टम उसका इलाज है, डॉक्टर उसके इलाज है, जाँच उसका इलाज है, जब तक पोस्टमार्टम नहीं आता है तब तक इस बात का प्रमाणित कैसे कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में उसकी मृत्यु हुई है। नहीं, मैं उसके जो मेरे हाथ में राशन कार्ड है उस राशन कार्ड में अगस्त के महीने तक उसको अनाज भी मिला है, किरासन तेल भी मिला है और सितंबर के महीने में सिर्फ किरासन तेल दिखा रहा है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम जो फोटोकॉपी ला रहा है उसमें सितंबर के महीने में भी इस व्यक्ति को अनाज मिला है, ऐसा सीओ और वीडियो बता रहे हैं। मोमेंटम झारखंड ने रूपलाल मरांडी को मार दिया, भूख से उसकी मौत हो गई, डीलर ने राशन इसलिए नहीं दिया कि सिस्टम में खराबी थी और सबसे घटिया बात यह है कि 8 घंटे के बाद यहाँ का वीडियो यहाँ पहुंचा और उसने आते ही बिना संवेदना के एक शब्द कहे उससे कार्ड छीन लिया और रात को 12 बजे उसको एक बोरा चावल रख के उसके घर में रख दिया और फोटो खींच लिया ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि उसका घर में पर्याप्त अनाज था और उसकी मौत भूख के चलते नहीं हुई है। तो अभी आपने सुना जेएमएम नेता शशांक शेखर भोक्ता की बात और हमारे साथ बात सुनी आपने श्रम मंत्री की। उनका कहना है कि उनके पास जो दस्तावेज आए हैं जो राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं उसमें आंकड़े दर्ज हैं, ऑनलाइन ये आंकड़े दर्ज होते हैं। तो किस तरह से शशांक जी बता रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर संभावना बनती दिख रही है। हमारे साथ हमारे देवघर संवाददाता रजनीश जुड़े हुए हैं, साथ ही जेएमएम नेता पूर्व स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता जुड़े हुए हैं। शशांक जी स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। शशांक जी, संवेदना की बात है, सरकार कितनी संवेदनशील है, लेकिन विधानसभा में हम जो देखते हैं अब बतौर स्पीकर कार्यकाल के दौरान की अगर हम बात करें आपके, तो क्या लगता है क्या नेता जनता के मुद्दों को लेकर संवेदनशील रहते हैं? जिस तरह का हंगामा बरपता है, शांत कराते कराते स्पीकर की जुबान थम जाती है लेकिन हंगामा नहीं शांत होता, ऐसे में जनता के प्रति क्या सरकार संवेदनशील रही है किसी भी वक्त? देखिए, सरकार का काम शासन चलाना है और हमारे माननीय विधायक जो होते हैं और उनको अपने मुद्दों को लेकर हल्ला करने, विरोध करने का अधिकार है और निश्चित रूप से सभी सरकारें विरोधियों के निशाने पर रहती हैं और विपक्ष जो होता है सत्ता पक्ष का ही एक अंग होता है और उनको उनकी भी जिम्मेदारी होती है, सरकार की होती है। तो इसीलिए ये विधानसभा में हंगामा करना, अपनी बातों को रखना, जनता का पक्ष वहां रखना, ये उनका संवैधानिक अधिकार है और प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है और ऐसा होना भी चाहिए जी। लेकिन उसकी दूसरी तस्वीर, जिस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने लोग विधानसभा में खड़े होते हैं वो व्यक्ति भूखे मर रहा है, ये कैसा लोकतांत्रिक अधिकार और खूबसूरती है? देखिए, ये तो सही में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है जी और इसमें हम किसी माननीय का दोष नहीं दे सकते हैं। ये सीधे और सीधे सरकार से जुड़ा मामला है और सरकारी तंत्र जो है इसमें लोक सेवक होते हैं और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी भुखमरी के मामले में बोला था
बुरा है। जो यदि संगीत भूख से मौत होती है तो जिला प्रशासन उसकी उत्तरदायी होगा जी। तो ये किसी माननीय राइट में कोई दोष नहीं है, ये दोष है प्रहार का और उसके सिस्टम का जी। शशांक जी आप कह रहे हैं किसी माननीय का दोष नहीं है, हम आते हैं आपके पास, थोड़ा सा और वक्त चाहेंगे। हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या लगता है रूपलाल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगा? और जिस तरह से सिमडेगा और धनबाद में जो दो मौत हुई है जिस पर बीमारी की चादर डाल दी गई है, क्या इस बात की संभावना नहीं है कि देवघर में जो हुई मौत है उस पर भी बीमारी की चादर डाल दी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल दीपक, यहाँ भी लीपापोती का कह सकते हैं कि बना हुआ है, भरसक प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, कि इस मामले को भी बीमारी कगार दे दिया जाए। कल न्यूज इंडिया की टीम वहां पर पहुंची थी कल देर रात, और जो स्थिति देखी थी वहां पर कि उसके घर में एक दाना अनाज नहीं था, और सबसे बड़ा गवाह तो दीपक कह सकते हैं वो राशन कार्ड है। अगर उन्हें राशन दिया जाता है तो बजाबते उस राशन कार्ड में एंट्री होनी चाहिए थी। पिछले दो महीने से उस परिवार को राशन नहीं मिला था, और इसका सबसे बड़ा गवाह वो खुद राशन कार्ड ही बयां करता है कि अगर उसे राशन दिया गया होता तो निश्चित रूप से उस राशन कार्ड में एंट्री होता। रजनीश, लेकिन मंत्री महोदय जब परिवार से मिलने पहुंचे तो वो कह रहे हैं कि राशन कार्ड में काफी आंकड़े हैं, उन्होंने ऑनलाइन पर्ची मंगवाई उसमें भी काफी आंकड़े दर्ज हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं दीपक, जिस तरह मंत्री महोदय कह रहे हैं कि ऑनलाइन वो मंगा रहे हैं, तो अगर डीलर कोई देता है तो निश्चित रूप से उस डीलर सबसे पहले उस राशन कार्ड में एंट्री करता है, और ये जो राशन कार्ड है वो कुछ और बयां करता है। रात में जब हम लोगों की टीम जो वहां पर न्यूज इंडिया टीम जब वहां पर मौके पर पहुंचती है, जो घर की हालात थी, एक दाना अनाज उसके घर में नहीं था, जिस तरह से उसकी बेटी ने बयां किया है, हो सकता है कि राजनीतिक पार्टी के लोग भले ही इस पूरे मामले पे राजनीति की रोटी सेक रहे हों, लेकिन उसकी बेटी तो राजनीति की रोटी नहीं सेक सकती है। उसने खुद बयां किया है न्यूज इंडिया चैनल पे, उन्होंने उसने बयां किया है कि पिछले कई दिनों से घर में एक दाना अनाज नहीं था, और आस पड़ोस के लोग जो है वो कुछ चावल देते थे या भात देते थे तो उसी से उनका जीवन यापन चल रहा था, क्योंकि घर में कमाने वाला शख्स महज उसका वो पिता ही था, क्योंकि घर में और कोई जेंट्स नहीं थे। महज कुछ महीने पहले ही उसके एक जवान बेटे की भी मृत्यु हो गई थी, इस कारण पूरा कह सकते हैं पारिवारिक बोझ जो है वो पूरी तरह से इसके पिता पे ही था, और अगर घर में अनाज होता तो निश्चित रूप से मौत नहीं होती। ये पूरी वाक्या जो है वो खुद बयां कर रही है कि किस हालात में इसकी मृत्यु हुई है और क्यों इसकी मृत्यु हुई है। बिल्कुल, हमारे साथ जेवीएम के केंद्रीय प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, क्या कहेंगे इन तीन भूख से हुई मौतों पर जिसे कथित तौर पर सरकार बीमारी की मौत बता रही है? देखिए, आंकड़े और बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में पुरुष शिक्षा का जो स्तर है वो 57% है, महिला शिक्षा का स्तर जो है 27% है। ऐसे में सरकार के द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर देना, जिसका आधार से लिंक राशन कार्ड नहीं होगा उसको राशन नहीं दिया जाएगा, और उसी के माता अभी जो झारखंड सरकार ने 1000 दिन का जश्न मनाया उसमें उसने अखबार में बाजाप्ता छपवाया कि 11.5 लाख राशन कार्ड हमने रद्द किए, जिससे झारखंड सरकार को इतने पैसे की बचत हो रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार जो है दोषी है, और ये इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। मैं खुद सिमडेगा के काली माटी गया था, संतोषी के परिवार से मिला था, कोसी देवी से मिला था। हकीकत वही है जो आप कह रहे हैं, भूख से ही मौत हुई है। अभी जो धनबाद की घटना हुई है बैद्यनाथ दास की जो है, वहां पर भी सारे सच्चाई सबके सामने है। अभी देवघर की जो घटना हुई, मंत्री महोदय कुछ भी बोले, मंत्री महोदय तो बात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें अमली जमा पहनाया जा रहा है कि भूख से नहीं बल्कि बीमारी से मौत हुई है। सभी जगह भूख से मौत हो रही है, और ये आंकड़े और बढ़ेंगे, भयावह स्थिति होने वाली है। क्योंकि 11.5 लाख राशन कार्ड का रद्द कर देना अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जो पूरा शेड्यूल एरिया है, गरीब लोग बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं, आदिवासी बहुत ज्यादा संख्या में हैं, दलित ज्यादा संख्या में हैं, जो इन सब चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि आधार से हम कैसे राशन कार्ड को लिंक करें। दलाल जो है ग्रामीण स्तर पे बहुत बड़े बड़े दलाल हावी हैं, और इस तरह से जो है घटनाएं घटती ही रहेंगी। और बहुत ही ये एक विषय है जिस पर शशांक जी भी प्रकाश डाल रहे हैं कि केवल सरकार या जनप्रतिनिधि दोषी नहीं है, पूरा एक सरकारी तंत्र है जो भ्रष्टाचार की चपेट में है, और हर स्तर पर कहीं ना कहीं खामी है और उसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन शशांक जी, निवाला नहीं है गरीबों के घर में, और सरकार राजधानी में जश्न मनाती है, विदेशी मेहमानों को सोने चांदी के प्लेट में खाना परोसती है, ऐसे में क्या अधिकार है सरकार को जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा उस तरह से उड़ाने का जब भूखे लोग मर रहे हैं? जी देखिए, हमने
आज जो भगवानपुर गांव का जहां का रूपलाल मरंडी मर गया भूख से, वहां जो स्थिति देखी और जिस प्रकार का गरीबी उस गांव में फैली हुई है, और रांची का जब मैं जश्न देखता हूं चाइनीज लाइटों से सजा हुआ चमचम करता मुख्यमंत्री आवास, तो मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे प्रदेश में एक जनप्रतिनिधि हूं जहां हमारे गरीब तबका का एक आदिवासी भूख से मर रहा है, और मंत्री जी वहां ओपनली कह रहे हैं कि आधार का अंगूठा का निशान नहीं था इसलिए उसको अनाज नहीं मिला। तो अंगूठा का निशान नहीं मिलता है तो उससे क्या सारे लोग मर जाएंगे? और दूसरी बात है कि मंत्री जी कहते हैं कि अनाज देने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के अखबारों में सारे अखबारों में है कि डीलर ने साफ कहा है जी। कि अंगूठा नहीं मिला था, हमने अनाज नहीं दिया। तो फिर सरकार जो लिपापोती कर रही है और एसी कमरों में बैठ के मोमेंटम झारखंड और उड़ता हाथी का जो ख्वाब लोगों को दिखा रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एकदम स्वीकार करना चाहिए कि राज्य में तीन मौतें जो हुई, तीन मौतें नहीं बहुत मौतें हैं, तीन मौतें हमारे मीडिया के सक्रियता के कारण सामने आ पाई है, नहीं तो सारे फिर यूं ही दफन हो जाते। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष समीर उरांव जी भी जुड़े हुए हैं। समीर जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्ते। समीर जी, दीनदयाल उपाध्याय भी आंसू बहा रहे होंगे, अंत्योदय का ये हाल है कि अंतिम व्यक्ति भूखे मर रहा है। हेलो जी समीर जी। जी, ये अंत्योदय की सच्चाई दिख रही है झारखंड में, भूख से तीन मौत हो चुकी है, और शशांक जी कह रहे हैं तो ये तीन मौत है जो मीडिया की सक्रियता की वजह से सामने आ गई, न जाने कितने लोग भूखे मर जा रहे होंगे और कोई उनकी खोज खबर लेने वाला भी नहीं है। ये जो है जितने भी लोग हैं, इस तरह से घटना के बाद ही लोगों का नींद खुलता है, लेकिन सरकार लगातार वर्षों से इस तरह से स्थिति परिस्थितियां थी उसको ठीक करने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन विचार भावनाओं के आधार पर सरकार काम कर रही है। आज जो है ये सारी घटनाएं बहुत कम हो गई है, और मैं बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह केवल भूख से यह मृत्यु नहीं हुई है। जहां भी हम लोगों ने, समाज के कुछ लोगों ने जाकर इन सारे चीजों को जानने और समझने का प्रयत्न किया है जी, कहीं ना कहीं गरीबी तो है, नहीं है सो बात नहीं है जी, लेकिन भूख से ही मृत्यु हुई है ऐसा पूरा मामला नहीं है, कहीं ना कहीं और भी कोई समीर जी है। समीर जी आपने शायद एड्स के बारे में सुना होगा, एड्स से मौत नहीं होती, एड्स की वजह से दर्जनों बीमारियां आदमी के शरीर में घुस जाती है जिसकी वजह से मौत होती है। भूख भी कुछ उसी तरह से है, आदमी को ठीक से खाना नहीं मिलता, पौष्टिक आहार नहीं मिलता, तो सैकड़ों बीमारियों का घर उसका शरीर हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आप बहाने तो 100 बना सकते हैं कि फला बीमारी से मरा होगा, फला बीमारी से, लेकिन जिसके पास खाने के नहीं कुछ है तो वो तो बीमारी से ही मर जाएगा। निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां गांव के अंदर गरीब परिवार में ये है जी। उसी को हम लोगों ने ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब यहाँ 3.25 करोड़ जी जनता है, कहीं ना कहीं एकाध इस तरह से चीजें आ ही जा रहा है। चलिए समीर जी, आप एकाद की बात कर रहे हैं, हम इस पर और थोड़ी आपसे बात करेंगे, फिलहाल ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस एकाद घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं वो शायद और बढ़ जाए, क्योंकि करीब 11.5 लाख राशन कार्ड को रद्द कर दिया है सरकार ने, न जाने उनमें से कितने ऐसे होंगे जो अब अगले महीने अनाज के लिए तरस रहे होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। योगेंद्र प्रताप सिंह हैं, जेवीएम के केंद्रीय प्रवक्ता। योगेंद्र जी, जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं समीर उरांव जी की, एक दो ऐसे मामले सामने आ गए हैं, लेकिन सरकार तत्परता से गरीबों तक पहुंचने और उनकी मदद करने में जुटी हुई है, कितनी हकीकत लग रही है इन बातों में? देखिए, सरकार के कारण ही इस तरह की घटनाएं हो रही है। अगर सरकार 11.5 लाख राशन कार्ड रद्द नहीं करती जी, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। सरकार आम आदमी की चिंता नहीं कर रही है, सरकार को चिंता है बड़े बड़े लोगों की, सरकार को चिंता है कॉरपोरेट घरानों की, सरकार को चिंता है पूंजीपतियों की। सरकार अडानी और अंबानी की चिंता करती है, झारखंड के गरीबों की चिंता नहीं करती। अगर गरीबों की चिंता कर रही होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। ये कितना भी उसके ऊपर डीपापोती करने की कोशिश करें, लेकिन ये सारी घटनाएं जो है, सारी मौतें जो अभी हुई है हाल में, चाहे वो सिमडेगा की घटना हो, चाहे धनबाद की घटना हो, चाहे भी देवघर की घटना है, ये मौतें ही हुई घटना है। अगर गरीबों को समय पर राशन मिलता तो निश्चित रूप से वो आज जिंदा होते। और इस तरह की घटनाओं की शुरुआत है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 11.5 लाख जो राशन कार्ड रद्द किए गए हैं, ये बहुत पहले की बात नहीं है। जिसमें सरकार 1000 दिन का जश्न मना रही थी, उसमें सरकार ने बजाबते ऐड भी करके अखबार में दिया कि हमने 11.5 लाख राशन कार्ड रद्द किए, इससे सरकार को इतने बड़े पैसे की बचत हो रही है। सरकार को निश्चित रूप से गरीबों की चिंता नहीं है, सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता कर रही है। और झारखंड की जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। ये लाख दावा कर लें कि हम जो है गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं, लेकिन गरीबों को इनकी चिंता नहीं है। ये बोलते हैं कि 2022 तक गरीबी हटा देंगे। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से सिलसिला मृत्यु का हुआ है भूख से, 2022 तक ये गरीब को हटा देंगे। गरीबी को नहीं हटा पाएंगे, सब गरीब भूखे मर जाएंगे, जो परिस्थिति बन रही है झारखंड में। ये गंभीर स्थिति है। शशांक जी, किसी भी व्यवस्था में योजना को जिस जरिए से जनता तक पहुंचाया जाता है उसमें लीकेज होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लीकेज रोकने के लिए पूरी पाइपलाइन ही बंद कर दी जाए, ये क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है? ये क्या जनहितैषी सरकार के लक्षण है? देखिए, ये सरकार की सोच है और सरकार मोमेंटम झारखंड में वाहवाही लूटने के लिए बाकायदा प्रचार कर रही थी कि हमने जो ये लीकेज हो रहे हैं सिस्टम में उसके लिए ये बंद कर दिया। और सरकार चाहती है कि यदि उनके ऑफिसर्स उनके सिस्टम लूट रहे हैं जी, तो इसलिए जनता को भूख से मार दिया जाए। सरकार का ये सोच मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यदि जी सिस्टम यदि खराबी है तो पहले सिस्टम को सुधारें या सिस्टम पर कार्रवाई करें, लेकिन इतनी भूख से मौतें हो गई, क्या किसी अधिकारी पर गाज गिरी है? नहीं, गाज जब गिरती है तो या तो विपक्ष पर या लोग जो प्रेस वाले उठाते हैं इस मामले को उस पर मिलता है। शशांक जी, सरकार पहले माने तो कि भूख से मौत हुई है, तब तो कार्रवाई की जाएगी उस दिशा में। बहरहाल समीर जी, मोमेंटम झारखंड की चकाचौंध में इस कदर सरकार की आंखें चुंधिया गई है और इस कदर सरकार ने रफ्तार पकड़ ली है कि एक बड़ा तबका झारखंड का पीछे छूट गया है जो किसी को नजर नहीं आ रहा है, क्या सरकार को वो तबका नजर आ रहा है? निश्चित रूप से आपके कथनानुसार ऐसी कोई बात है नहीं। बात है राज्य के जितने भी राजनीतिक दल हैं जी, ये सभी लोगों को सामाजिक जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। यदि इस तरह से स्थितियां परिस्थितियां हैं तो लोगों को बिल्कुल सही बोल रहे हैं समीर जी, सभी को सामूहिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि जनता ने उन्हें अधिक जिम्मेदारी सौंपी है। मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि यदि इस तरह से स्थितियां परिस्थितियां हैं तो ये जो है सामाजिक जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि कौन सा ऐसा परिस्थिति, क्योंकि सरकार लगातार इन सारे विषयों को ठीक करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय विचार भावनाओं के अनुसार समाज के अंतिम इकाई को समृद्धि की ओर आगे बढ़ाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए कार्य कर रही है। तो ये जागरूकता का कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। इन सारे चीजों को जागरूकता के साथ साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। समीर जी, अब कितनी जागरूकता, अब किस तरह की जागरूकता चाहिए? हर गली मोहल्ला पोस्टरों से पाटा गया है, हजारों करोड़ खर्च कर दिए गए हैं योजनाओं की जानकारी देने में, अब किस तरह की जागरूकता की कमी रह गई है सरकार के स्तर पर?
ये सरकार अपना जागरूकता कर ही रही है, लेकिन ये केवल राजनीति करने वाले लोग वोट बैंक के दृष्टि से केवल उसी समय जो है जनता के बीच जाता है और इन लोगों का बाकी दिनों में कोई सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं। समीर जी, वोट बैंक की ही चिंता है तो दो वोट आपने खो दिया है और उसके परिवार के सभी सदस्य भी शायद ही अब आपको वोट करेंगे। वक्त हमारे पास नहीं है, संजय जी से एकदम संक्षेप में समझना चाहेंगे। संजय जी चिकित्सक हैं पेशे से। संजय जी, अगर आप मेरे शब्दों का मतलब समझ पाए तो मैं बस इतना पूछना चाहूंगा, क्या भूख और एड्स में कोई अंतर है? भूख और एड्स में जी? क्या फिर से बोलेंगे? हजारों बीमारियां हो जाती है मौत की वजह, एड्स नहीं, मौत की वजह कई बीमारियां होती है। भूख से मौत हुई है, सरकार बोल रही है बीमारियों से मौत हुई है, इस तरह कोई अंतर है इन दोनों बेहद ही गंभीर मसलों में? हाँ, भूख से मौत होती है, भूख जो है सहायक होता है, क्योंकि भूख खाना कम मिलने से शरीर में शरीर का रिजर्व फूड जो भी है, मसल्स फैट जो खत्म हो जाता है, विटामिन मिनरल ये सब भी जो है उसको नहीं मिल पाता है, तो शरीर में आसानी से रोग हो जाता है, एनीमिया डायरिया इस टाइप का चीज, सूजन हो जाना शरीर में, हार्ट फेलियर में चल जाना, ये सब तो भूख से मौत तो होती ही है। लेकिन फिर बीमारी क्यों कही जाती है कि बीमारी से मौत हो गई, भूख से मौत नहीं हुई? क्योंकि भूख के बाद जब भूखा व्यक्ति जो होता है वो शारीरिक और शरीर का उसका प्रतिरोधक क्षमता काफी घट जाता है, तो ऐसे में उसको कोई भी बीमारी बहुत आसानी से पकड़ लेती है, जितनी भी संक्रामक बीमारियां हैं वो आसानी से पकड़ लेती है। बिल्कुल, तो सरकार के लिए सबसे आसान हो जाता है कि भूख से मौत की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि मौत की वजह बीमारियां बनती है जिसका मुख्य कारण भूख होता है। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का, समीर उराव जी, योगेंद्र प्रताप सिंह जी, शशांक शेखर भोक्ता जी और डॉक्टर संजय कुमार जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। रजनीश, आपका भी धन्यवाद। तो सरकार विदेशी निवेश लाकर अपना पेट बड़ा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकार ये नहीं देख रही है कि एक बड़ी आबादी के पेट और पीठ में कोई अंतर नहीं रह गया है। भूखे लोग मर रहे हैं, वजह भले ही बीमारियां सामने आ रही हो, लेकिन उनके सिकुड़े हुए चमड़े ये गवाह दे रहे हैं कि वो कई दिनों से खाना नहीं खाए हैं। और 11.5 लाख के करीब राशन कार्ड को झारखंड सरकार ने रद्द कर दिया है। अब ऐसे में और मौतें नहीं होंगी, इसकी कौन गारंटी लेगा? प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। We'll be right back.